हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है लिनक्स किंग्स में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है वो एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। हम इसको एज डेवलपिंग, जैसे कि वेबसाइट बिल्डिंग या फिर सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के रूप में यूज लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पाइथन का एक और इंटरेस्टिंग जो यूज है वो करने वाले हैं कि जो पाइथन लैंग्वेज है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, जिससे क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा जो RHEL सर्वर है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत वाइडली तो यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभार हमें इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो हम इसको आज हमारा जो RHEL 7 है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा RHEL 7, जिसको मैंने अपना जो VMware है उसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो होगी जो हमारा डेटा कनेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा कनेक्शन चाहिएगा। बिना डेटा कनेक्शन के आप यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, उसके लिए हमें YUM की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे जो RHEL के वर्जन्स है उसमें हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए YUM को या फिर RPM को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। एज सेम यहाँ पे भी हमें YUM की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप RPM का यूज भी ले सकते हैं, लेकिन YUM यहाँ पे प्रेफरेबल है, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको जो YUM इंस्टॉलर है, ठीक है, येलो डॉग पैकेज मैनेजर, अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हमारे जो मेन टास्क है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो टर्मिनल है उसको ओपन करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसमें YUM कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो मैं जो पाइथन का पैकेज है उसको यहाँ से इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमांड डालूँगा YUM इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार देके हाइफन वाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरा सिस्टम है इसमें जो पाइथन है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने जो सिस्टम है उसमें पाइथन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी, आप HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे पाइथन को कंप्लीट होने के लिए, तब तक मैं अपना जो वीडियो है वो पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो पाइथन का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब पाइथन को एज HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहाँ पे पाइथन का जो वर्जन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पाइथन का वर्जन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बिना वर्जन की हम यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो पाइथन का वर्जन है यहाँ पे 2.7, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो अब हम इसको इसके थ्रू ही कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो यहाँ से हमें पाइथन लैंग्वेज की जो कोडिंग है इससे बाहर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है, और मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेता हूँ। अब हमें जो पाइथन है उसका वर्जन पता चल चुका है, तो हम यहाँ पे डालेंगे पाइथन और जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है 2.7, ठीक है। ये डालने के बाद हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा हाइफन एम, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ सिंपल HTTP, यहाँ पे आपको केस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लेटर मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ वो कैपिटल आएगा, जो स्मॉल लिख रहा हूँ वो स्मॉल आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको अगर आप थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल है और जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल। इसके नेक्स्ट स्पेस देके हमें यहाँ पे एक पोर्ट को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी पोर्ट यूज यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस कमांड को ध्यान से देख ले, यही वो कमांड है जिसके थ्रू हमारा जो पाइथन है वो एज HTTP सर्वर के रूप में जो है वो काम करेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, हमारा जो RHEL सर्वर है वो अब HTTP सर्वर बनके तैयार हो गया है। और इसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपकी जो फायरवॉल है उसको आप डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा जो फायरवॉल है वो जो अदर सिस्टम है उसको एक्सेस करने को नहीं देता है, ठीक है, उसको डिनाई कर देता है हमारे जो सर्विसेज है उसको लेने के लिए। तो आप जो फायरवॉल है उसको भी
डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक नया टर्मिनल खोलिए, यहाँ पे डालिए आईपी टेबल्स, ठीक है, और हाइफन एफ, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे जो एफ है वो कैपिटल आएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे हम एक और कमांड देंगे, सेट एनफोर्स 0, ठीक है। तो अब हमारा जो फायरवॉल है वो भी डिसेबल हो चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसकी जो आईपी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अपनी आईपी चेक कर लेता हूँ। तो मेरी जो आईपी है वो मेरी आईपी यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.40.130, ये मेरी आईपी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो होस्ट मशीन है जो कि मेरी विंडोज़ 10 है, उसके जो ब्राउज़र है उसमें जाएंगे और पोर्ट 80 पे इस आईपी एड्रेस को डालेंगे। तो देखेंगे कि हमारा जो RHEL सर्वर है उसकी फाइल्स को हम वहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं जो मेरी फाइल्स ऑलरेडी है, क्या सेम फाइल्स वहाँ पे शो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करूँगा। यहाँ पे जो URL बॉक्स होता है इसमें हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 190.168, ठीक है, डॉट यहाँ पे आएगा 40.130 और कॉलन यहाँ पे आएगा 8080, ठीक है। ये आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना है। ध्यान रखना है आपको यहाँ पे आप जो पोर्ट है वो चेंज नहीं करना है, जो वहाँ पे आपने पोर्ट दे रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी जो RHEL 7 की जो फाइल्स है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो भी आप फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड करना चाहें वो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वीडियोज़ के अंदर जाता हूँ, अभी यहाँ पे कोई वीडियोज़ मैंने यहाँ पे सेव नहीं कर रखी है, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरा एक पैकेज नाम का फोल्डर है जिसमें बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक जो विजुअल है उसका वो भी दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप पे ये पैकेज है या फिर नहीं है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मिनिमाइज़। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पैकेज नाम का फोल्डर कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो RHEL सर्वर है उसमें पाइथन को एज HTTP सर्वर के रूप में यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो फाइल्स डाउनलोड करने के लिए हमें हमारा जो सिस्टम है उसको सर्वर के रूप में बनाना पड़ता है, ठीक है, सर्वर बनाना पड़ता है उसको। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।